पुरुषोत्तम झा राजस्थान पत्रिका से। इनके चार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, गुरुजी अभिनेता चित्र से संत चरित्र से संदेश देते हैं, संतों का चरित्र बदल रहा है, जनता क्या करे? सच्चे संत का चरित्र आदिकाल से ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। 100% वो सही थे, सही हैं, सही रहेंगे। ये घोर कलयुग की नगरी है, यहां 10-10 रुपयों के लिए इज्जतें नीलाम होती हैं। लोगों को ज्यादा पैसा मिले तो वो क्या नहीं कर सकते, हमारे नजरिए से ये भी संभव है। इनका अगला प्रश्न, गुरुजी लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? अब तो काफी कुछ आ गया है आपके हाथ में, अगर मजबूत करना चाहो तो। ये कहते हैं कि छोटा सा बटन आया है उससे काफी मजबूत हो जाएगा। दिल्ली में हमसे पूछा था, वहां जब सफाई महाअभियान हुआ, अभी महीना दो महीने पहले की बात, डेढ़ महीना होगा, तो वहां बहुत पत्रकार आए, कहते गुरु जी ऐसा ही सवाल था बिल्कुल। तो हमने कहा कि कोई ऐसा होना चाहिए कि या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर राष्ट्रपति के नाम पे कोई बटन होना चाहिए कि अगर किसी को कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो। हमें तो पता नहीं राम ने कैसे बुलवा दिया, और बाद में अभी हमें तो रात भी पता चला, कल परसों भी पता चला कि कोई ऐसा वाकई बटन लगेगा जिसको अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो वो बटन दबा दो तो सारे नापसंद हो जाएंगे, ऐसा सुनने में आया है। तो हो सकता है इससे सफाई हो जाए, लोग ठीक हो जाएं, वो भी सेवा करने लग जाएं, नेक बन जाएं, क्योंकि बटन बड़ा खतरनाक है जी। इनका अगला प्रश्न, गुरु जी आपको प्रशासन सत्संग की अनुमति आसानी से नहीं देता, क्या कारण आप मानते हैं? भाई क्या कारण माने, हम तो आज भी चले तो 7 बजे थे कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। बड़ा सीधा रास्ता बताया जलेबी वाला, बिल्कुल जलेबी की तरह आए हैं। और क्या करें, क्या वजह है, राम जाने क्यों वजह है, वो भी मालिक जाने। आप यहां कोई भी सज्जन, जो आप लोग खास करके पत्रकार समाज, आप कह देते हो ना गुरु जी के सिख उल्टे हैं, आप यहां निगाह मार के देख लो, हमें लगता है 50% सिख लोग बैठे हुए हैं। आप खड़े होकर देख लो, अगर आपको लग रहा है, ये सब झूठ है, 100% झूठ है। हमारा सभी धर्मों से प्यार है, जो नशे माफिया है वो उनको पसंद नहीं है हम, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं क्योंकि हैं तो वो भी आदमी, वो कोई भी रूप धारण करके किसी धर्म की आड़ लेके वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जितने भी गुरु हुए, संत पीर पैगंबर, वो सब के सब हमारे लिए बेहद आदरणीय है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं और वो सारे संत महापुरुष गुरु मालिक स्वरूप हैं, हमेशा हम ये बात कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं वजह क्या है, आप अगर ढूंढ लें तो हमें भी जरूर बताइए। हमें तो यही वजह मिली कि एक तो लोगों को ये डर है कि गुरुजी आते हैं तो इकट्ठ इतना हो रहा है, अगर ज्यादा लोग जुड़ गए तो पता नहीं क्या होगा। दूसरा कारण नशा माफिया, जिनका 1992-93 में हमारे पास चिट्ठियां आती रही कि अगर आपने नशा बंद करना बंद नहीं किया तो हम आपको खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी एक कारण हो सकता है। और भाई बुराइयां सारी ही, उनको तो डर है कि गुरुजी ऐसे सच के राह पे चल रहे हैं, अगर ये चलती रहे तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी, उनके नुमाइंदों को भी ये डर है। वरना पता नहीं वजह क्या है, और हम हर जगह जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह राम नाम का, लेकिन ये 1-2 जिलों में पता नहीं वजह क्या है राजस्थान के कि यहां आना भी है तो आओ जलेबी की तरह, अब जाना है पता नहीं वो भी जलेबी की तरह, मालिक जाने। तो ये रास्ता हमने तो ये सोचा था कि 2 घंटे का है, चाहे टीपी में से आ जाओ चाहे डब्बाड़ी में से आ जाओ, कहते ना जी इधर से आपने नहीं जाना। तो हमने कहा जी ठीक है, जिधर से जाना उधर से ही जाना, हमने तो बाजा बजाना राम नाम का, जिधर से मर्जी जाके बजाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शुक्र करो कई लोग कहते गुरु जी आपके पास गाड़ियां हैं, अगर ऊंट होता तो क्या होता, अब गाड़ी ना ले तो ऊंट ही ले सकते हैं, बैलगाड़ी ले सकते हैं, फिर तो आ गए सत्संग के दिन, 2 दिन पहले ही चलना पड़ेगा, क्या पता कहां कहां से आना पड़े। सो भाई ये हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठेके शरेआम खुले हैं, नशे शरेआम खुले हैं, राम नाम के साथ संग जी पूरी पाबंदी है, बड़ी मुश्किल से परमिशनें मिलती हैं। अब आपकी सारे शहर की गंदगी साफ करनी हो तो भी ऑफिसर सहवान अकड़ जाते, ना जी अभी नहीं देना, अभी नहीं देते, देंगे तो सही पर अभी नहीं देंगे। क्यों भाई, अभी दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा लोग आ जाएंगे, जल्दी हो जाएगा काम। अब एट द स्पॉट एकदम मौके पे बताया जाता है तो लोगों का आने में बड़ी देरी होती है। अब सफाई करनी है उसमें भी परमिशन जरूरी है, गंदगी फेंकने में कोई परमिशन नहीं है, है ना कलयुग। चाहे आप खड़े हो, बाइक वाला आपके मुंह के ऊपर पिचकारी मार के भाग जाए, पान की कोई हर्ज नहीं, बीड़ी जलती आपकी दुकान में फेंक जाए, सारी दुकान जल जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सफाई करनी है, आपका कचरा साफ करना है, आपके सीवरेज साफ करने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको परमिशन लेनी है। तो ये भाई कलयुग की नगरी है,
जैसा फिर भी हम तो साधुवाद ही कहेंगे, यहाँ के नगरवासियों को, यहाँ के ऑफिसर साहबानों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहेंगे जिन्होंने सत्संग में शिरकत भी की और सत्संग करवाई भी। भगवान उनकी झोलियां खुशियों से भरे, दया में रहमत उन पे करे, आशीर्वाद। इन्हीं का अगला प्रश्न है गुरु जी, चुनाव आचार संहिता के दूसरे दिन आप यहाँ सत्संग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? ऐसा ही प्रश्न मनोज पुरोहित दैनिक भास्कर का भी है कि राज्य में चुनाव घोषणा के बाद आपकी सभा यहाँ हो रही है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हमारी सभाएं तो बीकानेर में अभी थोड़े दिन पहले हुई थी, जयपुर में हुई थी, तो हमारा सपोर्ट सपाट का तो कुछ लेना देना नहीं भाई। हम तो उस भगवान की सपोर्ट करने आए हैं और आपको उसके साथ मिलाने आए हैं, तो उसको वोट डालो, यकीन मानो अगर उसको डालोगे तो शायद आपके घरों में परिवारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी दूसरों के आप उनसे गारंटी ले लो, भगवान की गारंटी हम देते हैं, छाती ठोक के देते हैं। आप राम नाम जपो, ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, हम जिम्मेवार हैं, इससे ज्यादा हम और क्या कहें। बाकी जो आप कह रहे हो वो उनसे पूछ लो जो देने वाले हैं, कितना देंगे, कितना बोलेंगे, कितना तोलेंगे, क्या देंगे, वो उनसे पूछो भाई, वो उनका महकमा है, हमारा जो महकमा है वो हम बता सकते हैं जी।